देखिए, हमने आपको बृहस्पति की तीन स्थितियां बताई, एक कमजोर बृहस्पति, एक खराब बृहस्पति और एक दूषित बृहस्पति। खराब बृहस्पति और दूषित बृहस्पति में बहुत जरा सा अंतर है। आम तौर पर बृहस्पति दूषित हो जाता है जब राहु के संपर्क में आता है। खराब से ज्यादा बुरी स्थिति है दूषित होना, और दूषित होने पर महिलाओं के चरित्र पर, उनके जीवन पर दिक्कतें पैदा होती हैं। लेकिन बृहस्पति के ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव है, पापी चंद्रमा का प्रभाव है, बृहस्पति शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, नीच राशि में भी है और अष्टम भाव में भी बैठा है, तो ये खराब बृहस्पति है। अगर आपका बृहस्पति खराब है, आप महिला हैं, तो शादी होने में बड़ी दिक्कतें होंगी, आपकी शादी नहीं हो पाएगी या ऐसे समय में होगी जब आप सारी उम्मीदें छोड़ चुकी होंगी। 38, 40, 42, 44 इस उम्र तक जाते जाते शादी आपकी हो पाएगी। तो एक तो खराब बृहस्पति आपकी शादी होने नहीं देगा, और अगर किसी ग्रह का संयोग बन गया, आपकी शादी हो गई, तो विवाह चलने में बहुत दिक्कत पैदा करेगा। पति पत्नी के बीच में बेवजह के विवाद होंगे, सेपरेशन की, शादी टूटने की नौबत पैदा होगी, बेवजह की ईगो प्रॉब्लम की वजह से दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बृहस्पति अगर खराब है तो दुनिया में केवल दो ही उपाय करके आप खराब बृहस्पति को दुरुस्त कर सकते हैं। पहला, भगवान शिव की पूजा गुरु रूप में करके। शिव जी की पूजा विभिन्न स्वरूपों में होती है, महामृत्युंजय स्वरूप में, गौरी शंकर के स्वरूप में, समाधिस्थ शिव के स्वरूप में, लेकिन गुरु के स्वरूप में शिव जी की पूजा करेंगे तो खराब बृहस्पति बेहतर होगा। और इसके लिए भगवान शिव को गुरु रूप में कहा गया है, भगवान दक्षिणा मूर्ति। दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र पढ़ने से या भगवान शिव को दक्षिणा मूर्ति के रूप में पूजने से निश्चित रूप से खराब बृहस्पति का असर समाप्त होगा। दूसरी बात, आपको अपने आहार का बहुत ध्यान देना होगा। मांस मदिरा तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसके अलावा उल्टी सीधी चीजें, अभक्ष्य चीजें जो नहीं खाई जा सकती हों, ऐसी चीजों को खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर ये दो उपाय आप करें, महत्वपूर्ण तो यही है कि दक्षिणामूर्ति भगवान शिव की पूजा करें गुरु के स्वरूप में, बृहस्पति कितना भी खराब क्यों ना हो, उसके खराब फलों के प्रभाव और परिणाम से आप बच जाएंगे। अगर किसी महिला का बृहस्पति कमजोर होगा तो एक तो विवाह विलंब से होगा, दूसरा वैवाहिक जीवन को बेहतर होने में बहुत समय लगेगा। अगर बृहस्पति खराब होगा तब तो विवाह होगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से होगा, और वैवाहिक जीवन में निरंतर दिक्कतें बनी रहेंगी। तो अगर आप महिला हैं और आपका बृहस्पति कमजोर है, आप उसे बेहतर करके अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा करना चाहती हैं, तो क्या करेंगी? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय हल्दी की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। घर में मांस मदिरा का प्रयोग ना हो, और आप स्वयं भी मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, घर में सात्विकता बनाए रखें, और कम से कम सप्ताह में एक बार घर के सारे लोग मिल करके संयुक्त पूजा करें,
ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, सुंदरकांड पढ़ लें, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लें। सप्ताह में एक दिन घर के सभी लोग मिल करके एक साथ अगर पूजा करें तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। याद रखिए, वैवाहिक जीवन में अगर बृहस्पति की वजह से मुश्किल है तो भगवान शिव का चरण पकड़ लीजिए, क्योंकि बृहस्पति की किसी भी मुश्किल को भगवान शिव की पूजा से बड़ी सरलता से दूर किया जा सकता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।